आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि YouTube अवार्ड कितने प्रकार की होती है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, तभी आपको YouTube के अवार्ड के बारे में जानकारी अच्छी तरीके से मिल पाएगी। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि YouTube प्ले बटन कितने टाइप्स की होती है। नंबर 1, YouTube सिल्वर प्ले बटन। अगर आपके YouTube चैनल में 100 के सब्सक्राइबर होने के बाद YouTube की तरफ से ये अवार्ड आपको दिया जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि आखिर ये अवार्ड को प्राप्त करने के लिए कोई पैसा देना पड़ता है? नहीं, ये अवार्ड बिल्कुल फ्री में YouTube की तरफ से दिया जाता है। इस अवार्ड के लिए कोई भी पैसा YouTube को नहीं देना पड़ता है। बस इसके लिए आपको जब आपके चैनल में 100 के सब्सक्राइबर हो जाता है तब आपको YouTube को अप्लाई करना पड़ता है। तब आपको YouTube एक लिंक सेंड करता है, उस लिंक के जरिए आपको ये अवार्ड मिल जाता है। नंबर 2, गोल्ड प्ले बटन। जब आपके YouTube चैनल में 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाता है तब अभी मैं जो आपको अप्लाई वाला प्रोसेस बताया था वही प्रोसेस के जरिए ये अवार्ड भी आपको मिलता है। नंबर 3, डायमंड प्ले बटन। जब आपके चैनल में 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाता है तब आपको YouTube की तरफ से ये डायमंड प्ले बटन दिया जाता है। हमारे इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिनके पास ये डायमंड प्ले बटन अभी भी है। नंबर 4, कस्टम प्ले बटन। जब आपके चैनल में 50 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाता है तब आपको ये कस्टम प्ले बटन YouTube की तरफ से दे दिया जाता है। कस्टम प्ले बटन का एक और नाम रखा गया है, रूबी प्ले बटन। ये नाम प्यूडीपाई ने रखा था। अब आप सोचते होंगे कि आखिर इसका नाम, इस अवार्ड का नाम कस्टम प्ले बटन क्यों रखा गया? क्योंकि जब कोई क्रिएटर 50 मिलियन सब्सक्राइबर को हिट कर लेता है तो YouTube उसके चैनल का लोगो की तरह का शेप बना करके उस अवार्ड को भेजता है। मतलब कि जिस तरह का आपका चैनल बना हुआ है, जिस शेप का, वही शेप का आकार का बना के आपको भेजता है। नंबर 5, शाइनी प्ले बटन। ये अवार्ड 100 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद YouTube की तरफ से दिया जाता है। ये अवार्ड का कोई भी नाम रखा नहीं गया है, बस YouTube ने केवल इतना ही बताया है कि ये अवार्ड चमकीला होगा। बस आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। अगले वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले घंटे को भी दबा सकते हैं ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए।